करेंगे, इतनी औकात है भेजते थे, लेकिन गलती बिना गलती तुमने अंदर ले जाकर के बांध के मारा है सबने। और पता इन्होंने बंद कर रखा था एक्सरे रूम में। बैठ दो बैठ दो बैठ दो बैठ दो, आराम से बैठ दो, आराम से बैठ दो, गम खाने में फायदा है, बैठ दो, मेडिकल हो जाए, बैठ दो आराम। हाँ क्या हुआ था आपसे, पूरी बात बताओ क्या हुआ था। बात जो हुई, ये एक बाहर बात हुई, कोई बुड्ढा वहाँ कोई इन बाबा से खींच के पानी गए रहो, पानी कोई मने कोई बाबा को मार रहे थे, पूरा के दुकानदार में तब पानी रंगे ने मारे, बाकी तो मारो बाबा को मुहत खून कर रहा हूँ। तो हमने कही तुम 112 नंबर फ़ोन कर दो, 112 नंबर फ़ोन कर दो, पुलिस आ भाई, अभी ऐसे दुकानदार साहब बताओ कौन लड़का है ना, ये पुलिस वाले के लड़का लेंगे, हमने जाकर पुलिस वाले पर घाट तक फाट डालेंगे। बात इतनी बात है, आप कहाँ थे उस वक्त, आप कहाँ थे? हम बीजा में। अच्छा, तो किस चीज़ से मारा था? डंडा हो जो चक्कू जो ये हाथ में क्या लगा है, ये चक्कू हाथ में चाकू लगा हुआ है। हाँ चाकू। क्या नाम है आपका? मोहजीत। मोहजीत क्या हुआ था, चोटें कैसे आई आपको? बाहर के जो बुजुर्ग लोगों को वो लोग मार रहे थे, माया हॉस्पिटल के, उनका पूरा स्टाफ मार रहा था, उसके मुंह में खून निकल रहा था, और हमने ये कहा इसे बुजुर्ग को मत मारो, जब उनसे कहा हमने कि 100 नंबर करो फोन, तो उन्हें हमें दोनों को अंदर खींच के मारा पूरे स्टाफ ने। आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम अपने बड़े भाई, हमारे चचेरे भाई था, उनको देखने आते माया हॉस्पिटल में, उनका ब्लड चल रहा था, बस इतनी सी बात। मारपीट हुई, ये सुबह का मामला है, हमारे अस्पताल के साइड में एक जगह बच्चे लोग जो है रंग डाल रहे थे, उधर से एक टेम्पू आया, उसमें बच्चों ने रंग डाला, उसमें से एक बूढ़े बाबा उतरे और उन बच्चों को मारने लगे, इतनी देर में उनका पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर गया, उनकी नाक से खून निकलने लगा। तो मरीज के साथ वालों ने मुझे आके बताया कि भाई एक बूढ़े बाबा हैं, उनकी नाक से खून निकल रहा है, आप देख लीजिए। तो मैंने कहा आप उनको ले आओ, मैं देख लूँगा, उनके पट्टी उट्टी जो भी है जहाँ से खून आ रहा है वो देख लूँगा। वो बूढ़े बाबा को लेने गए, बूढ़े बाबा बेचारे नहीं आ पाए, तो वो दोबारा मरीज के साथ वाला आया, बोले साहब किसी को भेज दो, उन्हें बुलवा लो। तो मैंने अपने छोटे भाई जो मेडिकल पर बैठे हुए थे उनको जो है वहाँ उन्हें लेने के लिए भेज दिया। वो है ना छोटा भाई जब उनको लेने गया, इतनी देर में वहाँ पे नीरू के सागर के जो पति हैं और उनके साथ दो लोग और थे, उन लोगों ने डंडों से और ईंट से उस पर छोटे भाई पे हमला कर दिया। जब मैं वहाँ बचाने गया तो वो मुझ पे भी हमलावर हो गए और मारते हुए मेरे अस्पताल के अंदर घुस आए और फिर यहाँ पे छोटे भाई के साथ मारपीट की। किस चीज़ से मारा है उन्होंने, जो सभी धारदार हथियार बताया? ईंट थी और लोहे की रॉड थी उनके पास में, एक और एक डंडा और था। जैसा कि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि चाकू से वार किया गया है, क्या मामला? चाकू तो यहाँ कहीं हमें दिखा नहीं था, पर हो सकता है उन लोगों ने देखा हो, फिलहाल मैंने नहीं देखा था। कि जिला पंचायत सदस्य हैं वो मेरे अस्पताल में आई, मेरे चैम्बर में घुस के उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और मेरी बीवी से भी बदतमीजी की और हमें देख लेने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा। मेरे स्टाफ के साथ जो यहाँ पे स्वीपर है उन्होंने लेट के जो है मेरे भाई को बचाया। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को पहले ही सूचना जा चुकी थी, पुलिस आ गई थी, पुलिस के सामने उन्होंने जो है काफ़ी गाला गलौज कराया। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या, अब उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया है पुलिस वालों ने, पुलिस वाले कह रहे हैं हम देखते हैं। मारपीट का मामला आया है हॉस्पिटल में, वो क्या मामला है, पूरा घटनाक्रम क्या था? ऐसा था, मेरे जेठ जो हैं वो माया हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मेरे हमारे गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, तो मेरे हम लोग गांव में थे, तो मेरे पति, मेरे ससुर और चचे ससुर और मेरे देवर जो हैं इनको देखने के लिए, मेरे जेठ को देखने के लिए आए थे। तो इन्होंने बाहर देखा कि एक बुज़ुर्ग को इनके जो भाई हैं डॉक्टर के वो बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ में, तो इन्होंने कहा कि आप मारपीट क्यों कर रहे हो इनके साथ में, ये बीच में पड़ गए ये लोग, जबकि ये उनको जानते नहीं है, वो पैगा के रहने वाले हैं तो ये जानते भी नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ इतनी बात कह दी
हुई तो ये उनसे भी ऐड पड़े डॉक्टर के भैया, तो इन्होंने आपस में वो हुई है, तो इन लोगों ने हमारे चचिया ससुर को, हमारे पति को अंदर खींच करके इनके पूरे स्टाफ ने एक्सरे रूम में ले जा करके लाठी डंडों से मारा है, बहुत बुरी तरह से चक्कू लगाया उनके हाथ में, इनके पास में कई धारदार चीज़ें भी थी। किन लोगों ने मारा है? डॉक्टर ए के गंगवार, मीनाक्षी गंगवार, अनुज गंगवार और उनके अस्पताल का नर्स है, एक महिला सफाई कर्मी है इनके यहाँ पे। क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि मैं जब हॉस्पिटल पहुंची मैंने कहा मैं जाकर के बातचीत करती हूँ क्या है क्या मामला नहीं है। मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया मैं अस्पताल गई तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ में बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया कि तू यहाँ पे आ गई, अब तेरी नेता करती हम वो देखेंगे, अब तू हमसे उलझी है। अस्पताल के सामने एक आदमी को चोट लगी, मैं उसे बुलाने गया कि चलो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं तुम्हें दिखवा देते हैं अंदर, तो वहाँ तीन लोग और खड़े हुए थे, उन तीनों ने हमला कर दिया। अच्छा, कि ये तुम्हीं ने चोट मारी है। मैंने कहा मैंने क्यों मारी भाई, मैं तो इसे बुलाने आया हूँ कि अंदर चलो डॉक्टर साहब देखेंगे। आपका क्या नाम है? अनुज। आप क्या करते हो? मैं भाई मेडिकल पे बैठा हूँ। डॉक्टर साहब के भाई हैं? हाँ। अच्छा, जो और दूसरा पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि बंद करके मारा, ये बात सच है? जब वो मार के भागने लगे तो उनको पकड़ के बैठाला गया। अच्छा, मारने का आरोप देने में याद है। अच्छा, पे जो किस चीज़ से बार हुआ है? जितना कोई धारदार हथियार था उनके पास। ये आपको चोटें वहीं से आई हैं? हाँ, वहीं से आई हैं। ये आपके और मारा है, ये बचाने आए इनको भी मारा बहुत। क्या करते हो तुम हॉस्पिटल में? कुछ करता हूँ, बचा रहे थे तभी क्या ऐसा हुआ है? क्या हुआ था, क्यों मारपीट की थी उन्होंने? तो रंगबाजी कोई पता नहीं क्या हुआ, रंगबाजी चक्कर हुआ था, अचानक हॉस्पिटल में आ गए। हाँ, नहीं तो बाहर थे ना वो, तो ये सोच रहे थे यानी हमें बेटा आपका नीतू, हम लोग तो बाहर थे। हाँ, क्या हुआ था बताओ पूरी बात। हम अंदर थे, हमें पता ये भी नहीं पता, हम भैया बचाने गए पहले जी, भैया ऊपर लेट गए थे, राम बेटी मौसी गई थी। अच्छा, फिर हम लोग अंदर चले गए, हमें क्या पता ये लड़ाई हो रही है। आपके ये चोटें आई हैं, आपको कैसे आई हैं? हम बचा रहे थे, हमें ये नहीं पता किन क्या लगाया क्या नहीं है। अच्छा, चोटें आई हैं? चोटें आई हैं। हाँ, जानना चाहेंगे जो माया हॉस्पिटल में भी मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा घटनाक्रम बताइए। पूरा घटना सर जी, सर ऐसा था, हम आ रहे थे टेम्पो में, तो वहाँ पर रंग डाल रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम बरेली के लिए जा रहे थे और कोडरा कोठी से बैठे थे टेम्पो में दवाई लेने के लिए, तो जैसे ही माया हॉस्पिटल के सामने आए सर, तो इन्होंने हमें रंग डाला और पकड़ के खींच लिया। किन लोगों ने खींचा? वो वहीं के थे ना, अब तो हम गिरे उसके ड्रम के ऊपर। अच्छा, तो वो ड्रम हमारे लगा सीने पे, हमारे वहीं से ब्लेड आने लगा और ब्लेड भी काफ़ी आया। फिर ये लोग बोले कि आपने 100 नंबर को फ़ोन करा, 100 नंबर को फ़ोन करा, आ जाने दो, उसके बाद आप जाना या कहीं से भी दवा लेना। जब ये वो लोग इन्हें मारने को डट गए। कौन लोग थे सर? माया हॉस्पिटल के सामने। अब उसके बाद में ये पता नहीं वहीं के डॉक्टर लोग थे हॉस्पिटल वाले या और भी थे, मगर फिलहाल हॉस्पिटल के भी उसमें थे साथ। मारपीट का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला सर, और इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी सूचना मिली है कि माया हॉस्पिटल के पास जो है कोई मारपीट हुई है, इंस्पेक्टर से बात हुई है मेरी, वो मौके पर जा रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, जाँच करने के बाद इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर किस मामले को लेकर हुआ है ये? मौके पर जा रहे हैं जांच करने, वो जांच के बाद पता चलेगा क्या है पूरा सच्चाई क्या है।